अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में ईडी के छापे पर एक बार फिर राजनीति गरमाने के आसार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सेंट्रल एजेंसी ही हथियार है, वे यहां लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा का काम सरकारों को अस्थिर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है, लगातार पदाधिकारी बदले जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरबा रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में ये बातें कही है। मुलाकात कार्यक्रम में पाली तानाखार विधानसभा में है और कल फिर वहीं से बलरामपुर जिला ताता पानी में बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन, तो उसे अटेंड करके फिर खैरागढ़ में साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह है उसमें जाऊंगा, उससे लौट के आऊंगा। सर, आज कई जगह पे ईडी ने आपने पहले भी कहा था कि चुनाव तक आएगी तो ये काम प्रभावित हो, क्योंकि चुनावी समय में डिलीवरी ज़्यादा दे रही है, काम अच्छा कर रहा है सरकार को। देखिए, जिस बात है मैं शुरू से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है, लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, सीएलपी लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, वो सब बदल के देख लिए तो एक यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है। लेकिन टारगेटेड जो बड़ी पॉइंट है उसका भ्रष्टाचार, इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत एक आध तो जांच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं, पीआईए लगाया तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, ये भारतीय जनता, ये जीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, ये जांच नहीं करती, खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसको जांच करो तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? और है तथ्य, डूबा है कि नहीं डूबा है, एक एक आदमी कह सकता है छत्तीसगढ़ का कि चिट फंड कंपनी में उनके पैसे डूबे हैं। और उसको हमने कहा कि भाई हम तो वापसी कर रहे हैं, पूरे देश भर में पहली सरकार है जो चिट फंड कंपनियों के संपत्ति को कोर करके नियोजकों के खाते में डालने काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तक के हम लोग जो किए हैं वो बहुत कम किए हैं, हजारों करोड़ रुपये में हैं और कुछ करोड़ रुपये हम वापस कर पाए हैं। ऐसे में क्योंकि ये पैसा कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी उसकी जाँच करे, क्यों नहीं करती? तो उनका एक उद्देश्य है कि केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत, उसके तहत मोटिवेटेड हैं और उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने शरद यादव जी जबलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और जब तक के वो राजनीति में सक्रिय थे, भारतीय राजनीति को वो प्रभावित करते रहे अपने कार्यों से, अपने विचारों से। उसके जाने से एक युग की समाप्ति हुई है, एक बड़े राजनेता का जाना निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 4 साल अचानक से वोट में उतर गई और अब दिल्ली तक जोर लगा रहे, क्या ये 2023 के टिकट को लेकर टारगेट कर रहे? ये इनको तो पहले कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है, वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। ठीक है,